हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैज़ेव का 21वां, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़ेव, हेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखा है हैज़ेव गॉट टू, उसी के जगह हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है, नानी ने आकर ही आकर है हो आए, या फिर नानी ने आकर ही आकर पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना ही है, उसे खाना खाना ही है, राम को गाना गाना ही है, मुझे एस एन कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, तो मैं सफल होना ही है, हमें मेहनत करना ही है, उन्हें स्ट्रगल करना ही है, या मुझे बाजार जाना ही पड़ता है, मुझे खाना खाना ही पड़ता है, मुझे आपसे बात करनी ही पड़ती है, उसे स्ट्रगल करना ही पड़ता है, उसे सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। सो गाइस, यहां पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़ेव हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां हैज़ेव हम जानते हैं किसके साथ हैज़ इस्तेमाल करें, हैव इस्तेमाल करें ना, तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ेव, फिर उसके बाद हैड टू परमानेंट है, सबके साथ हैड टू लगाना है, मतलब हैज़ेव के बाद हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कैसे को सेंटेंस वाइज बनाएंगे, आइए समझते हैं। मुझे बाजार जाना ही है, सो आई हैव हैड टू गो टू मार्केट। राम को यहां आना ही है, राम हैज हैड टू कम हियर। रोहन को नई नौकरी ढूंढनी ही है, रोहन हैज हैड टू सर्च अ न्यू जॉब। मुझे सफल होना ही है, सो आई हैव हैड टू बी सक्सेसफुल। रोहन को फैन रिपेयर करना ही है, सो रोहन हैज हैड टू रिपेयर अ फैन। मुझे ग्रामर पर कमांड करना ही है, सो आई हैव हैड टू कमांड ओवर ग्रामर। जैसे नौकर को कमरा साफ करना ही है, सर्वेंट हैज हैड टू क्लीन द रूम। मुझे कमरे में पोछा लगाना ही है, आई हैव हैड टू मोप इन द रूम। मुझे उसे सबक सिखाना ही है, आई हैव हैड टू टीच अ लेसन टू हिम। राम को छत से कूदना ही है, सो राम हैज हैड टू जंप फ्रॉम द रूफ। इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं। दोस्तों, यहां पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको हम ट्रांसलेट कर करके सीखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को यूज कैसे करेंगे। आइए, मुझे उसे पीटना ही है, सो मुझे उसे पीटना ही है, सो आई हैव हैड टू बीट हिम। मुझे उसे पीटना ही है, सो आई हैव हैड टू बीट हिम। हमें उसे प्रोत्साहित करना ही है, मतलब हमें उसे मोटिवेट करना ही है, सो वी हैव हैड टू मोटिवेट हिम, मोटिवेट हिम, सो वी हैव हैड टू मोटिवेट हिम। उन्हें स्थिति को स्वीकारना ही है, उन्हें मतलब दे, सो दे हैव हैड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द सिचुएशन, सो दे हैव हैड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। उन्हें स्थिति को स्वीकारना ही है। रावण को मरना ही है, सो रावण, जिसको हम बोलेंगे रावणा, हैज हैड टू डाई। रावण को मरना ही है, रावणा हैज हैड टू डाई। मुझे आज पैसे डिपॉजिट करने ही हैं, सो आई हैव हैड टू डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी, सो आई हैव हैड टू डिपॉजिट मनी। रोहन को कलेक्टर बनना ही है, सो रोहन हैज हैड टू बिकम कलेक्टर, या बी कलेक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, यहां पर हम लोगों ने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे उनसे मदद लेना ही है, सो आई हैव हैड टू टेक देयर हेल्प, उनकी मदद लेना ही है, टेक देयर हेल्प, मुझे उनकी मदद लेना ही है, सो आई हैव हैड टू टेक देयर हेल्प। मुझे उसे 1,00,000 रुपए देना ही है, सो आई हैव हैड टू गिव हिम 1,00,000 रुपीज, ठीक है। रमन को अमेरिका जाना ही है, सो रमन हैज हैड टू गो टू अमेरिका, टू गो टू अमेरिका। उसे अपना ज्ञान बढ़ाना ही है, उसे मतलब ही, सो ही हैज हैड टू इंक्रीज हिज नॉलेज, इंक्रीज हिज नॉलेज, सो ही हैज हैड टू इंक्रीज हिज नॉलेज। राम को रावण को मारना ही है, सो राम हैज हैड टू किल रावणा, ठीक है। सो राम हैज हैड टू किल रावणा। यहां पर दोस्तों पांचों तरह के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, हम एक सेंटेंस को लेकर पांचों बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना ही है, सो आई हैव हैड टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, सो आई हैव नॉट हैड टू प्ले क्रिकेट। क्या मुझे क्रिकेट खेलना ही है, सो हैव आई had to
प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट क्यों खेलना ही है, सो व्हाई हैव आई हैड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, और किससे क्रिकेट खेलना ही है, सो हु हैज हैड टू प्ले क्रिकेट। तो गाइज आप स्ट्रक्चर्स के माध्यम से जब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है शुरू शुरू में परेशानियां आए क्योंकि थोड़ा से एक्स्ट्रा टाइप के स्ट्रक्चर है, थोड़ा से डिफिकल्ट पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सब आसान होता ही चले जाएगा। सो गाइज यहां पर मैंने उम्मीद की आप लोगों को हैज़ का 21 यूज समझाने की, तो गाइज उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।